तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं अभी अहमदाबाद में हूँ। तो ये अभी मैं आ चुका हूँ गांधी आश्रम। तो चलिए अंदर चलते हैं और गांधी आश्रम, गांधी बापू जो थे हमारे, उनका जो आश्रम है उसका दर्शन करते हैं। पहले साबरमती आश्रम, गांधी स्मारक संग्रहालय, चलिए अभी अंदर चलते हैं। दिस इज गांधी बापू। पहले ये गेट के अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ गांधी आश्रम। तो चलिए अभी आश्रम के अंदर एंटर होते हैं। ये गांधी बापू की तस्वीर है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई थी वो गांधी बापू, उनके आश्रम, उनके घर पे आ चुके हम। तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी यहाँ पे आए हुए। जस्ट एंटर होते ही ये तीन बंदर देखिए, गांधी जी के तीन बंदर बहुत ही फेमस है। तो ये उनकी प्रतिमा यहाँ पे है, आप लोग समझ सकते हो ये क्या कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा तब्दीली डिटेल नहीं बताता, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, हर भाषा में लिखा हुआ है। जी अंकल, कहाँ से आए हो आप लोग? केरला। केरला तो अहमदाबाद घूम रहे हो आप, गुजरात का टूर कर रहे हो? यस। तो आश्रम कैसा लगा बापू का? अच्छा है। अच्छा है, अच्छा, बहुत ही अच्छा है। तो कहाँ से? केरला से आए हो आप सब? तो बस लेके आए हो? अच्छा 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 लगा। सब सब सही है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, और कहाँ से घूम के आए अहमदाबाद में? अभी कंकड़िया देखा। कंकड़िया देखा? कंकड़िया देख लिया। अच्छा है वो भी? इधर भी अच्छा है। अच्छा, फिर इधर आया, अभी अक्षरधाम जाएगी। अभी अक्षरधाम जाओगी? चलो, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर ट्रिप है एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। तो ये टूरिस्ट थे जो मकबूल की दुनिया यूट्यूब पर, या यूट्यूब पे है, MAKBUL, मकबूल की दुनिया। थैंक यू, थैंक यू अंकल। अंदर से विजिट करते हैं बापू आश्रम। ये संग्रहालय है, म्यूजियम। आई थिंक मैंने ये वाला देखा हुआ है, ये बहुत पुराना, ये जो घर था शायद हम लोग आए थे स्कूल से तब ऐसा ही कुछ था, आई थिंक, सो आई रिमेम्बर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, अगर मैं इसको पढ़ने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग से ही इसको पढ़ सकते हो। द ग्रेट अहिमाज नोबेल ऑफ इंडिया, अहिंसा के महान भारतीय प्रतीक, महात्मा गांधी जी। तो ये गांधी जी के लिखे हुए शायद ये हैंड राइटिंग है, मैंने अभी देखे, ये आप लोग देख सकते हैं, गांधी जी उनके हाथों से लिखा हुआ, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, ये इनके हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग ऑफ गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, उनके हैंड राइटिंग, ये उनकी तस्वीर है। गांधी जी के बारे में एक चीज़ बहुत मशहूर थी कि ऐसे जो पोस्ट कार्ड आते थे वो किसी भी हिस्से को ये बगैर लिखे छोड़ते नहीं थे। तो यही था कि उस वक्त इतना ये मोबाइल वाला डिजिटल ज़माना नहीं था, तो पोस्ट से ही सब कुछ होता था। तो गांधी जी हर चीज़ पत्र व्यवहार करते थे, तो हर चीज़ लिखते थे, तो आगे पीछे जहाँ कहीं भी स्पेस हो वहाँ पे वो लिखते थे। तो यहाँ पे भी गांधी जी, शायद आई थिंक दिस इज हिम, अ ग्रेट पर्सनालिटी। गांधी जी ने अहमदाबाद को आश्रम बनाने के लिए क्यों चुना, ये बहुत सारी हिस्ट्री है, तो आप लोग खुद पढ़ सकते हो। हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और ये है गांधी जी की बिहाफ, उनकी पत्नी कस्तूरबा, बाद में गांधी जी का पहला आश्रम, गांधी जी फर्स्ट आश्रम। चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मैं पढ़ता नहीं हूँ इसको, आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग जूम करके पढ़ सकते हो। गांधी जी का लिखा हुआ लेटर्स, उनके हैंड राइटिंग्स,
ये बच्चों के साथ भी गांधी जी, ये देखो इनका शरीर देखो आप, पसलियां दिख रही है, फिर भी कहते हैं ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो उन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए अंग्रेजों को इंडिया से भगाया था, तो वो गांधी जी द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड स्टिल सल्यूटिंग पर्सनालिटी मुख्य आश्रमवासी। यहाँ जो आश्रम में कौन कौन लोग गांधी जी के साथ थे, आई थिंक ये उन सभी की तस्वीरें हैं और उनके बारे में लिखा है, मगन लाल गांधी, दत्तात्रेय, बालकृष्ण कालेलकर। मैं ब्रीफली इनका वीडियो शूट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो अगर किसी को इनकी हिस्ट्री पढ़नी है। सॉरी अंकल, तो ये सारे लोग थे गांधी जी के अंतेवासी जो उनके साथ आखिर तक थे। महादेव भाई देसाई जो डायरी लिखा करते थे, तो ये उनकी तस्वीर है, ये उनका आश्रम, ये जो चरखा देख रहे हो आप, शायद ये गांधी जी होंगे जो उन्होंने चरखा चलाया था। ये है वो चरखा जिसके माध्यम से गांधी जी खादी बनाते थे। मीठानो सत्याग्रह, जो मीठा का सत्याग्रह सॉल्ट किया था गांधी जी ने दांडी, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है सर, दांडी में तो वो ही चीज़ है। तो उनके साथ ये बहुत सारे पर्सनली जवाहरलाल नेहरू को मैं देख सकता हूँ, कस्तूरबा है, और ये जो है गांधी जी है, सत्याग्रह हुआ था उस वक्त की ये तस्वीरें सारी। लेटर फ्रॉम गांधी जी टू बजाज, जुलाई 16, 1926, गांधी जी द्वारा लिखा गया बजाज को लेटर। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, मगन निवास। तो ये चरखे देख रहे हो आप, जिनसे ये ऐसी खादी शायद बनती होगी, ये इन्होंने लगा के रखी है। बहुत सारी तरह तरह की यहाँ पे चरखे आप देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए आप, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारा प्रधान थे पहले जवाहरलाल नेहरू, तो वो भी चरखा चलाते हुए। और ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोखंडी पुरुष। बहुत सारे विजिटर्स हैं जो गांधी आश्रम को विजिट करने आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से आए हो? अच्छा, तो यहाँ कहाँ विजिट कर रहे हो, ये अहमदाबाद में आए हो या पूरा गुजरात घूम रहे हो? गुजरात, पूरा गुजरात घूम रहे हो? लगभग। तो बस लेके आए हो, स्पेशल टूरिस्ट हो आप लोग? बस में नहीं आए, बाय ट्रेन आए हो? तो कितने लोग आए हो आप लोग? 12 लोग आए हो, तो ये पूरी फैमिली है आप। कैसा लगा गुजरात हमारा? अच्छा है, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। तो ये है साबरमती रिवर, और ये आश्रम जो है बिल्कुल इसके बगल में है। तो ये अभी हम लोग गए थे यहाँ पे मगन लाल। चलो जी, ये है गांधी जी और कस्तूरबा का निवास स्थान, उनका घर जहाँ पे गांधी जी रहते थे। तो ये वही इमारत है, ये वही
बिल्डिंग है जहाँ पर गांधी जी रहते थे, और बहुत सारी ऐतिहासिक जो फैसले गांधी जी लेते थे वो यहीं से लेते थे, यहीं पे उन्होंने चरखा चलाया और बहुत सारी एक्टिविटीज़। आप इतिहास पढ़ोगे इतिहास तो आप लोगों को पता चलेगा। गौर आदमी प्रतिज्ञा कहीं गांधी जी 1918 से 1930 सुधी रह गया था, तो इस जगह पे गांधी जी ने 1918 से लेकर 1930 तक इस जगह पे मुकाम किया था, तो वही आश्रम है ये। तो चलिए भी अंदर चलते। गांधी जी नो खंड आ ए उर्दू से जहाँ देश विदेश ना मुलाकाती वो बापू ने मड़वा होता आता देश ना ऐतिहासिक निर्णयों यहीं से लेवा था, तो जो भी निर्णय वो लेते थे वो यहीं से लेते थे, इसी आश्रम से। बहुत सारे बहुत ग्रेट पर्सनालिटी जो थी भारत की, तो वो यहीं पे बापू को मिलने आते थे। तो ये बाहरी इलाका है और ये जस्ट आउटसाइड का परिसर जो है वो है, और इसके बिल्कुल बगल में ये साबरमती रिवर। चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। यह स्थान बरसों तक महात्मा गांधी और श्रीमती कस्तूरबा का निवास स्थान रहा है, तो वो गांधी जी यहाँ पे कस्तूरबा के साथ बहुत साल यहाँ पे रहे थे, तो ये उनका घर है। तो अंदर चलते हैं। किचन, तो पहले शुरू का करते हैं उनके किचन से शुरू। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं उनका किचन कैसा था। तो ये देखिए, आप देख सकते हो ये रसोई, ये किचन, किचन में यूज होने वाली ये चीज़ें, उनकी स्पून्स वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, उनके बंदर, ये उनके पगड़ का, और ये चश्मा देखिए, जो चश्मा गांधी जी यूज करते थे वो चश्मा यही है, उनकी थाली वगैरह बहुत सारे ये पाउच वगैरह है। तो ये गांधी जी और कस्तूरबा इसको यूज करते थे। और व्हाट इज दिस, ये चरखा और गांधी जी का अस्थिल कुंभ, इसमें रियल सामान कस्तूरबा नौखंड। चलो ये कस्तूरबा है, तो इनका कमरा जो है वो अंदर से कुछ इस तरह से बहुत क्लीन नीट अभी तो है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोगों को पढ़ना है तो अभी आप पढ़ सकते हो, हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती में है। तो इनकी छत है। मोहन टू महात्मा, तो ये गांधी जी के पूरी हिस्ट्री जो है वेरी शॉर्ट में इनको उन्होंने डिस्क्राइब की है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। एजिस वाइज लिखा हुआ है, कौन सी साल कितनी एज में उन्होंने क्या क्या किया, ये सब यहाँ पे लिखा। मेहमानों नो खंड, गेस्ट रूम, तो अंदर चलते हैं। ये गेस्ट रूम मेहमानों के लिए, जो मेहमान उनको मिलने आते थे उनका कमरा है ये, एक छोटा सा कमरा। और इसके बाहर का इलाका ये देखिए, अब मैं दिखाऊँ आपको, ये बाहर का परिसर है, ये साबरमती रिवर यहाँ पे है। तो यहाँ यही था गांधी जी का आश्रम, गांधी जी बापू जहाँ पे रहते थे वो उनका घर। बाद में उनकी तरह